तो गाइज आप लोग का भाई नेस्टी आइस गेमिंग फिर से एक बार आ गया है आप लोग की फायदे की बात करने, जो कि है बेस्ट एक्शन एडवेंचर गेम्स फॉर पीसी का। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है कौन से ऐसे बेहतरीन एक्शन एडवेंचर गेम्स है जिसे आप स्टीम पे परचेज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोग के पास पीसी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बेहतरीन एक्शन एडवेंचर गेम्स मेंशन किया हूं जिसे आप स्टीम पे इजिली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर बात एक्शन एडवेंचर गेम्स की हो ही रही है तो क्यों ना हम इंक्लूड करें बैटमैन आर्कम कलेक्शन को। गाइज इसका प्राइस है 1349 और ये स्टीम में अभी अवेलेबल है। इस एक बंडल में आप लोग को मिलेगा बैटमैन आर्कम असाइलम, बैटमैन आर्कम सिटी और बैटमैन आर्कम नाइट्स। तो ऐसा ऑफर तो आप लोग को स्टीम पे शायद ही मिलने वाला है जो एक ही प्राइस पे आप लोग को तीन तीन बेहतरीन सुपर हीरो गेम्स ऑफर करे। गाइज इस तीन बैटमैन गेम्स को अभी तक के का सबसे बेस्ट बैटमैन गेम्स माना जाता है और ये तीनों ही बैटमैन गेम्स में आप लोग को एक बेहतरीन स्टोरी के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन कॉम्बैट, अच्छे बॉस फाइट्स और पजल ओरिएंटेड चैलेंजेस भी खेलने का मौका मिलेगा। तो गाइज अगर आप लोग एक्शन एडवेंचर गेम्स ढूंढ रहे हैं पीसी में तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। बैटमैन आर्कम कलेक्शन को आप स्टीम पे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गेम नंबर 2 की, जो कि है रेसिडेंट इविल 4 रीमेक। रेसिडेंट इविल 4 रीमेक को वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल हॉरर गेम माना जाता है और ये 2023 में गेम ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था। इसे कैपकॉम ने बनाया है और ये एक बेहतरीन सर्वाइवल हॉरर गेम प्ले एलिमेंट्स के साथ साथ आपको एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करता है, जिसमें आपको एक अच्छा प्रोटैगनिस्ट मिलेगा जिसका नाम है लियोन स्कॉट कैनेडी। और इसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छे यूनिक चैलेंजेस भी मिलेंगे, जैसे आप लोग को बॉस फाइट, मिनी बॉस फाइट और पजल्स भी सॉल्व करने होंगे। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वेपन्स भी परचेस करने का मौका मिलेगा जिसे आप मर्चेंट से परचेस कर सकते हैं। रेसिडेंट इविल 4 रीमेक का प्राइस है 2619 और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने इसका प्राइस लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इसका सेपरेट वेज का DLC भी परचेस कर सकते हैं, जो कि है 589 रुपीज़ का। गाइस ये बहुत ही वर्दी है DLC और मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग रेसिडेंट इविल 4 रीमेक को परचेस कर रहे हैं तो इसका DLC भी परचेस कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस डायरेक्शन में अभी रेसिडेंट इविल के रीमेक प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं गेम नंबर 3 की, जो कि है बाल्डर्स गेट 3। गाइस मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आपको इस गेम को बिल्कुल खेलना चाहिए और ये गाइस बना था गेम ऑफ द ईयर 2023 में। स्टीम पे ये अवेलेबल है 3000 का, लेकिन मेरी बात माने तो ये बिल्कुल वर्थ है। बाल्डर्स गेट 3 एक बेहतरीन ओपन वर्ल्ड गेम है जो कि आपको एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है आपको अपनी जर्नी को शेप करने का। इस गेम में आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे साइड क्वेस्ट हैं, आप उस साइड क्वेस्ट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को चूज कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, आप अपने कैरेक्टर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, उनके क्लासेस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं गेम नंबर 4 की, जो कि है रेमिनेंट 2। गाइज मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर गेम है, लेकिन ये अंडर रेटेड ही रह गया। ये 2023 में रिलीज हुआ था और गाइज आप लोग बिलीव नहीं करेंगे ये एक मल्टीप्लेयर गेम है और इसमें आपको वैरायटी ऑफ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी आप इसके मिशंस को खेल सकते हैं। रेमिनेंट 2 में काफी सारे साइड क्वेस्ट भी हैं जिन्हें आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप चाहे तो सोलो भी खेल सकते हैं और इन साइड क्वेस्ट को कंप्लीट करके आप जीत सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस जो आपको प्रोवाइड कराएगा नए वेपन्स और आपके कैरेक्टर को भी पावरफुल बनाने में मदद करेगा। तो गाइस रेमिनेंट 2 के एडिशंस और उसके प्राइस मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने प्राइस और बजट के अकॉर्डिंग आप इन एडिशंस को स्टीम पे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गेम नंबर 5, जो कि है डेविल मे क्राई 5। ये वन ऑफ द बेस्ट कैपकॉम का एक्शन एडवेंचर गेम माना जाता है। ये गेम आपको एक मैकेनिक प्रोवाइड कराता है जिसे कहते हैं हैक एंड स्लैश। हैक एंड स्लैश वो मैकेनिक है जिसके जरिए आप रैपिड कॉम्बैट मूव्स यूज कर सकते हैं अपने अपोनेंट्स पे, जैसे कि गन कॉम्बैट और स्वॉर्ड कॉम्बैट। इन दोनों कॉम्बैट के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आप परफॉर्म कर सकते हैं बेहतरीन कॉम्बोस। और इसी तरीके से डेविल मे क्राई 5 आपको एक सेटिस्फाइंग
कॉम्बैट गेम प्ले एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है, तो मैं तो कहूंगा आप इसे बिल्कुल परचेस करिए। और बेहतरीन कॉम्बैट एक्शन गेम प्ले एलिमेंट्स के साथ साथ ये आपको एक बेहतरीन नैरेटिव भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको मिलेंगे तीन तीन प्रोटैगनिस्ट, डांटे, नीरो एंड वी। तो गाइज, इसके स्टोरी से रिलेटेड तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि आप इसे स्टीम पे परचेस करिए। ये अवेलेबल है 1749 में। आप इसका डिलक्स एडिशन भी परचेस कर सकते हैं, वर्जिल के साथ मिलेगा। वर्जिल इसका बहुत ही बेहतरीन फेमस कैरेक्टर है गाइज। आप इस गेम को तो मैं बोलूंगा बिल्कुल परचेस कीजिए और इसे एक्सपीरियंस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पीसी गेमिंग के बहुत बड़े शौकीन हैं तो अपने ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन पे शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि किन गेम्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं और किन चीज़ों के बारे में आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए, तब तक के लिए जुड़े रहिए नेस्टी आइस गेमिंग के साथ। पीस।